अब ये रोज़ की रूटीन है, रोज़ की ये रूटीन हो गई है मेरी, नारियल पानी के साथ दवाई। चाय बहुत मस्त बनी आज एंड बिस्किट। मैं बच्चे को आज क्यों इतना प्यार आ रहा भाई, पीनट ए पीनट कहो मम्मा को, छोड़ो छोड़ो मम्मा का पैर छोड़ो, मेरा बच्चा अच्छा लग रहा नहीं है? बहुत अच्छा लग रहा। तेल डाली हो ना कुछ थोड़ा स्टाइल चाहिए, और काम के लिए जाना है, फिर आज है जुमेरात, तो देखती हूँ कैसे जैसे भी जो होता है कर आऊंगी। और उसके बाद आज मुझे जाना है पौला से भी मिलने, तो वहाँ भी जाऊंगी। और ये ड्रेस सूरत में सिला था, और मेरे साथ साथ अमीनापा को, दोनों को अयुब ने ड्रेस दिला के दिए थे, ये उसमें का ड्रेस है। और ये उदयपुर दिल्ली और कहाँ का ये, आई थिंक दिल्ली का ये, और एक जगह कहीं का याद नहीं आ रहा है। तो ये वहाँ की सबसे चीज़ें हैं, और ये उदयपुर, प्योर उदयपुर। जब पहली बार शादी के बाद अयुब के साथ में गई थी ना, पहली बार हनीमून ही समझ ला, तब हम गए थे पहले पहली ट्रिप पे, तो तब ये लिए थे मैंने, तब से संभाल के रखी हूँ। और हाँ, उसके बाद में फिर जब हमारी लड़ाई हुई, फिर हम बिछड़ गए एकदम से, फिर मिले, फिर उसके बाद हम दिल्ली गए थे, तब दिल्ली से ये सब लिए थे, ये और ये वाले। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, नीचे उतरी तो बाप रे बाप, दो तीन बार तो दुपट्टे से अपना मुंह पोछी हूँ, और निकल रही हूँ अपने काम से। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो काम भी बहुत सक्सेस होगा, और बहुत सारी उम्मीदें लेके जा रही हूँ, अल्लाह उस उम्मीदों पर कामयाब करे। और आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हक में आमीन ज़रूर बोलना। बहुत अच्छा हेलमेट है, जो ये भी लगाया मैंने, कैसे पहनोगे? आ गया ना अल्लाह, ये लड़का मैं रोज आपको दिखाते रहती हूँ ना, मुंह पोछती हूँ, डस्ट निकलता है मेरे मुंह से, तो बता आज मेरा कभी तो कहना मानो, मैं मतलब मेरे को उलझन होती, तो बोला आप पहनो कुछ नहीं होगा, ऐसे रखो। हेलमेट लगा के इतना केयरिंग करके आई कि आज ये सब साफ करना नहीं पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट अगर आपको करवाना है तो बेस्ट जहाँ मैं आती हूँ, और उसके साथ साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया ट्रीटमेंट पूरा। और जैसे कि ड्रेस दिखाने का एक मौका भी अच्छे से मिल गया, क्योंकि काफी बड़ा आईना है, और फेस के रिलेटेड मुझे एक मैसेज आया है, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको रूबरू बात करूंगी। पहले तो ये मेरा ड्रेस देख लो, अच्छा है ना, जानबूझ कर यहाँ पर आई, क्योंकि ये जो साथ में लोकेशन दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। और जैसे मुझे एक मैसेज आया, मैंने अचानक वो मैसेज पे मेरी नज़र पड़ी कि फेस का जो नेचुरलपन है उसको, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट मत कराना आप। तो हकीकत है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरली रहती है। अभी आपको बहुत सारा मेरे फेस पे क्रीम दिख रहा है, वो है सनस्क्रीन, क्योंकि मैं बाहर धूप में जाने वाली हूँ, तो सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ वो है PRP, जो नेचुरल आपके ब्लड में से, आपके प्लाज्मा निकाल के आपके हेड हो या फिर फेस हो, वो अंदर छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो आपके खुद के प्लाज्मा रहते हैं, तो नेचुरल ट्रीटमेंट है। अगर उससे आपको कुछ अच्छा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हकीकत है कि जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वही करना चाहिए, जो ज़रूरी नहीं है तो उसको लेके एक एज के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना चाहिए रहता है। तो थैंक यू जिसने भी ये मैसेज किए कि आप नेचुरल आपका फेस है, तो फेस के लिए कोई ट्रीटमेंट मत कीजिए। तो आपने बहुत अच्छा मैसेज लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके मैसेज पे बात करी हूँ, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मैसेज करते रहिए इंशाल्लाह। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये है दादर, और लास्ट टाइम मैंने कॉटन की साड़ी देखी थी,
तो उसमें मुझे खन वाला ब्लाउज चाहिए था, तो ये देखो ये एक खन वाला साड़ी है यहाँ पे, पर मुझे साड़ी प्लेन और खन वाला ब्लाउज चाहिए। तो अभी पूछती हूँ अंदर और देखती हूँ कैसे क्या रहेगा। की साड़ी चाहिए था, एक ही साड़ी लिया है और घर जाके बताती हूँ। और स्पेशली खन वाला ब्लाउज की साड़ी चाहिए थी, कॉटन की, एकदम फटाक करके मिल गई मुझे और मैंने फटाक करके ले भी ली। अब घर जाके दिखाती हूँ आपको और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये साड़ी मुझे कितने दिन से चाहिए थी। हेलमेट की वजह से चेहरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा चेहरा पहन लेती हूँ। ये हमेशा मम्मी दिखा दे, आज मैं दिखाता हूँ। चल मैं थोड़ा सा मम्मी के नाम पे खाना खिला देती हूँ। होम स्वीट होम की तरफ जा रही है, अभी तक तो घर पे नहीं पहुंची, लिफ्ट में जा रही हूँ, लिफ्ट में है ना। भाई आने के बाद ऐसा मतलब थकावट चढ़ी, फिर घर में खाना गरम करी कल का जो था, अमीन तो अभी जस्ट खाया और वो बेटा फातिया का किशमिश से थोड़ा खा थोड़ा रख, और फिर उसके बाद थोड़ा देर आराम नहीं करी, उतने में हो गया असर का टाइम। असर पढ़ने के बाद पढ़ने के फिर दूसरी तस्बीहा वगैरह पढ़ने तक मगरिब का टाइम हो गया, तो आज था जुमेरात। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे तो रोज ही लोबान अगरबत्ती वगैरह करते रहते हो और ये जगह बनी जब से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ देखकर। और आज तो मैंने बकूर लगाई थी, क्या खुशबू आ रही थी। और अभी मगरिब नमाज पढ़ के अभी चाय पीने बैठ रही हूँ, चाय पीने के बाद इंशाल्लाह फिर एक काम है, वो काम से उतरूंगी नीचे। और जैसे मैंने आपको बताई थी कि कुछ काम है जो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह दो तीन दिन में आपको, तो बस दुआ कीजिए कि वो सब काम अच्छे से हो जाए। ऐसे नहीं है कोर्ट कचहरी मामला वो सब नहीं, कुछ और है जो मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, खुशी का पल का, तो वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और बाकी तो अल्लाह ने जो किस्मत में लिखी है वो तो होना है, वो उससे कोई नहीं बच सकता है, कितना भी हो राजा हो या भिखारी, जो अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा है ना, तो वो आपको आपकी किस्मत में जो लिख दिए है तो वो आपके जिंदगी में वो होना है तो वो होना है। तो चलो फिर उससे क्या पीठ दिखाना, ऐसा भी है देखेंगे इंशाल्लाह। चाय पी के इंशाल्लाह फिर मैं थोड़ा जाती हूँ नीचे, उसके बाद में आगे जैसा भी रहेगा। जैसा है ना, जैसे अपन खाते खाने के बाद खाते हैं, बट ये खाने के बाद जो खाते बहुत फ्रेश ना। के लिए कोई भी है ये अच्छा है, खाकरा ले लो क्या, ले लो एक दो ही लो, ज्यादा मत लो, हाँ बट एक दो ही लो, 45 डेज में खत्म हो जाएगी। और वहाँ पे तेरे पसंद की चीज़, तेरे पसंद की चीज़ है, उधर पापड़ भी है शायद, उधर पापड़ भी है देख बेटा, इसमें ये बता, ये बेटा कौन सा है, ये बाजरी और मेथी दोनों मिक्स है। अच्छा ढेबरा है ना, नहीं अच्छा नो ढेबरा, ये बाजरी गुड़ भी है, मल्टीग्रेन भी है, तो गुड़ वाला बताइए ना, इसमें सब में गुड़ है, ये देखो ये देखो बाजरी गुड़, अच्छा अच्छा ये स्वीट है क्या, नहीं ये स्वीट नहीं, ये कौन सा है, नहीं ये स्वीट नहीं है, जो गुड़ लिखा है वो स्वीट है, इसके अंदर गुड़ है वो स्वीट है, उसके अंदर ये अभी कौन सा बाजरी है, इसके नाचनी गुड़ भी है इसके अंदर, नाचनी वाला तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो नाचनी वाला भी है ना, नीचे नाचनी। तुम लोग छोटे थे तो नानू लेकर आ गए, यादें आ गई है, और क्या मस्त शॉप मिली है मेरे को, ममरा बादाम, क्या मैं सच बोलूं तो पहली बार इतने बड़े बड़े ममरा बादाम देखे, तो लंबे लंबे पतले पतले, बहुत मस्त शॉप मिली है, ये ओरिजिनल है ना, इराक का ना, और ये अमेरिकन, ये भी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, नहीं वो देखने से पता चल रहा है कि नहीं इसकी क्वालिटी कलर और इसकी जो क्लीनिंग है इतनी मस्त है, बहुत मस्त है, टेस्ट करती हूँ मैं एक, बहुत अच्छा खाते थे, कैसे हम से तो गए थे लेकिन इतना सारा मेरे बेटे ने ड्राई फ्रूट दिलाया मुझे, काफी सारी चीजें दिलाई,
इसलिए बोल रही हूँ मेरे बेटे ने दिया, क्योंकि बिल मेरे बेटे ने दिया है कि उसकी सैलरी का पहला पैसा आज उसने ये खर्चा किया। वैसे तो मुझे देता है घर के लिए, पर उसमें से भी उसने जो उसके पास रहता उसमें से मुझे वो सारी सामान दिला के दिए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अभी गया अमीन जिम और अली भी गया बाहर, तो दरवाजा लॉक की और अभी मैं हूँ अकेली। तो सोच रही हूँ चलो, जो मैं आपको दोपहर में बता रही थी कि घर जाके बताती हूँ कि कौन सी साड़ी ली मैंने, और उसी के साथ साथ अभी अमीन ने भी काफी सारी चीजें मुझे दिलाई है वो। और आने के बाद जैसे मैंने बताई ना, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अपनी ज्वेलरी कहाँ निकाल कर रखी हूँ वो भी आपको बताती हूँ। और फिलहाल तो मैं हूँ, मेरा वो रूम है, ये रूम है, और यहाँ तक के मेरा किचन है। तो चलो पहले मैं यहाँ बैठ के सब चीजें दिखाती हूँ। उसके पहले मेरी बेटी आके बैठ गई, पता है उसको कि मम्मा यहाँ बैठेंगे आके। देखो तो सबसे पहले आके यहाँ मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, आके बैठ गई यहाँ। चलो हम बैठते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें आज दिन भर में ली हूँ, और अमीन ने क्या क्या मुझे दिलाया है, और कौन सी साड़ी जो मेरे उस दिन से दिल में थी कि मुझे चाहिए चाहिए, और वो दादर और माटुंगा के बीच में ही मिलती, ज्यादा करके दादर ही मिलती है क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ सब महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्रियन टेस्ट की साड़ी जो है आपको अच्छी से अच्छी वहीं मिलेगी। और मुझे जो चाहिए था मैं मुझे भी वहां मिली है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको बताई कि मेरी बेटी देखो पहले ही आके यहाँ बैठ गई एकदम मस्त आसन मार के, और ये देखो ये जो ज्वेलरी जो मैं बॉम्बे से आई थी उसके बाद में मैं ये निकाल के थोड़ा बहुत खाना खा के लेटी, तो मुझे थोड़ा हल्का सा नींद लगी, फिर इतनी घबरा कर उठी थी मैं नमाज के लिए, फिर भागी नमाज वगैरह से, फिर आपको बात करके फिर मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद जस्ट अभी आई ऊपर, ऊपर आने के बाद अमीन गया जिम, अली गया नीचे, और मेरा वही काम प्रेस के कपड़े रखो, दूसरा कोई काम है वो रख दो, ये लोबानदानी मैंने नीचे ही रख दी थी, तो यही सब चीजें मतलब फिर रखना करना रहता है। तो मैंने बोला उसके पहले मैं भूल जाऊंगी उठाकर रख दूंगी साड़ी वगैरह अंदर या फिर ये सामान, तो मैंने दिखा देती हूँ आपको खास साड़ी कि मैं कौन सी ली हूँ। चलिए सबसे पहले तो आपको साड़ी दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी है, कलर कैसा है बताना, और इसका जो डिजाइन है टिपिकल महाराष्ट्रीयन साड़ी है, प्योर कॉटन की है, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि महंगी साड़ियां भी मैं पहनती हूँ और सस्ती साड़ियां भी पहनती हूँ। इवन 20-30 रुपीस वाला जो मटेरियल होता है चिंदी मार्केट, वहां से भी लाके मैं उसको साड़ी को डिजाइन करती हूँ। बस ये होता है कि शौक है आपको तो आप अपने शौक को किस तरीके से पूरा करते हो बात वो होती है, और किसी किसी की देखो शौक तो बहुत होता है पर इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ले सके कर सके, लेकिन इंसान जब शौक रखता है और उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है या फिर थोड़ा सा नॉलेज रहता है तो वो कोई भी चीज को अपने लिए ढाल सकता है, अपने लिए बना सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब पैसा नहीं था तब मेरे पास शौक था, तो मैं छोटे से छोटी चीजों को लेके एक बड़ा सा उसको बना के पहनती थी और फील करती थी कि ये मैंने लिया है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और आप यकीन जानिए मुझे जब पहले के लोग भी बोलते थे तू कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती है, तू कितनी अच्छी डिजाइन करती है, तो वो एक पैशन था जो मेरे अंदर था। और जजाक अल्लाह ने फिर बाद में इतनी हैसियत दी कि जो दिल में ख्वाहिश थी कि महंगी साड़ियां ब्रांड साड़ियां अच्छी अच्छी साड़ियां या अच्छे अच्छे कपड़े चप्पल हो या फिर जूते हो या फिर इवन पर्स हो, सब कुछ मैंने फिर जो मेरी ख्वाहिशें थी वो पूरी की। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जो सोशल मीडिया पे एक मेरा नाम एक मेरी पहचान बनी, तो कोलैबोरेशन के जरिए काफी चीजें मुझे आती थी, काफी चीजों के मुझे पिक्चर्स आते थे, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आपको शौक है और अल्लाह ने आपकी हैसियत दी है तो आप अपने शौक को अपनी हैसियत के बराबर कर सकते हो, तो क्यों ये सब चीजें। हाँ ये है कि कभी किसी की जो बच्चे घर से काम करते, मैंने बहुत बार जो बच्चे घर से काम करते उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनके कोलैबोरेशन करती हूँ, और आज भी 2-3 जन ऐसे हैं जिनके मैं करते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे वो सामान आता है मुझे उसकी लालच है, नहीं, अल्लाह ने आज मेरे पास बहुत कुछ दिया है, आज मेरी इतनी हैसियत है कि मैं जो चाहूँ वो लेकर खा सकती हूँ पहन सकती हूँ। जजाक अल्लाह, अल्लाह से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिसकी भी जो दिल की ख्वाहिश है उसको वो पूरी करे। बस अल्लाह से हमेशा मांगते रहिए, पता नहीं कौन सी घड़ी होती है जब अल्लाह पाक देने पे आते हैं और आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको दे देंगे। ये तो हो गई साड़ी की बात, और मैं जो आपको बता रही थी खास करके ये साड़ी के लिए मुझे जो ब्लाउज चाहिए था
टिपिकल महाराष्ट्रीन, ये इसको कहते हैं खन का ब्लाउज। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो महाराष्ट्रीन गांव के ओल्ड औरत होते हैं, जो बुढ़ी माँ लोग होते हैं, तो चोली टाइप की ये ब्लाउज पहनते हैं। तो मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं ऐसी कुछ साड़ी पहनूं। तो ये दोनों ज्यादा नहीं 2100 रुपया, 2100 समथिंग कुछ आया है। तो ये इतने की ये साड़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसको पहनूंगी तो बताऊंगी। और इसी के साथ साथ अमीन ने काफी सारी चीजें आज ही, मैंने आप यकीन जानिए, मैंने आज ही उसको बोली कि कितना दिन हो गया ना हम लोगों ने खाकरा नहीं खाया। और हम लोगों को कहते ना कि हम पता नहीं हमारी जबान कब सच हो जाए। इसीलिए आपसे भी कहती हूँ कि हमेशा अल्लाह पाक से मांगते रहिए, किस वक्त अल्लाह पाक दे दे पता नहीं। तो ये मैंने लिए अलग अलग टाइप के खाकरे, और उसके साथ अमीन ने लिया है अपने लिए नाचनी वाले चिप्स। और जैसे मैंने आपको वहां भी बताई कि मेरी मम्मी जब हयाती थे तो मेरी मम्मी ऐसे तीन थैली बनाते थे, सब चीजों के बहुत सारी चीजें लाते थे और तीनों बहनों के घर में बराबर से तकसीम करते थे, तीनों को कोई कम ज्यादा नहीं करते थे। और उसके साथ साथ फिर मैंने लिए हैं, आपको जैसे हमेशा बताते रहती हूँ कि एक एज होने के बाद ये जो बीज होती है हमेशा हमें खाते रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। और उसी के साथ साथ मैंने जैसे हम खाने के बाद कुछ माउथ फ्रेश के लिए खाते हैं, तो ये भी इसके अंदर भी काफी सारे बीजे हैं, तो ये भी मैंने ली हूँ। और ये लिया मैंने बादाम, जैसे अमेरिकन बादाम है ये, और ये होते हैं ये ईरानी बादाम, ये बहुत फायदे के बादाम होते हैं। आप इसको पांच, जब गर्मी का टाइम होता है तो 5 से 7 भिगा कर खाइए, और नहीं तो आप इसको जब ऐसे ठंडी का सीजन होता है तो ऐसी खा लीजिए, पर ये खाइए, ये बहुत फायदा करता है। ये तो ठीक है, अब ये चलता है ये बादाम इसको बोला जाता है, पर फायदा जो करता है ये ज्यादा करता है। और ऐसा नहीं, जिसके पास अल्लाह ने जितनी हैसियत दी वो उतना ही उसको अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप यही बादाम खाइए या यही बादाम खाइए, अल्लाह ने आपको जैसी हैसियत दी है अपना ध्यान रखिए, क्योंकि खाने से कहते कि अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमें हैसियत दी और हम फाके में दिन गुजारते तो अल्लाह बहुत नाराज होते हैं, और अल्लाह कहीं ना कहीं मुझसे तो जरूर नाराज होते होंगे, क्योंकि मैं खाने पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ और खाना बहुत कम खाती हूँ। ये भी है, और कहीं ना कहीं ये खुश भी होती हूँ कि हमारे हुजूर पाक भी बहुत कम खाना खाते थे। और गरीब नवाज का किस्सा भी आपने सुना होगा कि उनको खाना खाते हुए बहुत कम देखा गया, उनको इबादत करते हुए ज्यादा देखा गया, और वो अपने लिए एक रोटी पानी में भिगो के जब वो नरम होती थी तब वो खाते थे, लेकिन उनका लंगर 2400 घंटे चलता रहता था। गरीब नवाज की बात करती हूँ, जो मैंने सुनी हो हदीसे वो आपको बताती हूँ। मुझे इतना कुछ ये नहीं कि मैं बहुत जानकार हूँ या कुछ हूँ, और काफी लंबी आज बात हो गई हमारी लास्ट में, तो मैं सोचती हूँ कि व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। और इंशाल्लाह बस यही बोलूंगी जाते जाते कि हमेशा दामन फैला के अल्लाह के पास मांगते रहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी होती है कि अल्लाह पाक उस टाइम हमें अता कर देते और हमारी सोच से भी ज्यादा अता करते। तो बस दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कुछ अलग बातें, कुछ अलग स्टोरी रहेगी। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूं। और बस जाते जाते यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा देने वाला बनाए, कभी किसी का मोहताजी नहीं बनाए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।